1 लाख से आपको 1.5 लाख तक आप 14 से 15, 16, 17, 18, 20, 22 लीटर का दूध आराम से मिल जाता है। इसमें सर जी 16 लीटर दूध अभी रेडी है, 1,05,000 रुपए का भैंस है सर ये। इसमें सर 18 लीटर दूध रेडी है। खांद्याला लगती है उड़ी लेवल की महिस है। उन्होंने ऑनलाइन व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके पूरा भैंस का दूध चेक करवाया 2 टाइम। मंडळी, एकाच म्हशीचं एवढं गच्च बादली भरून दूध आणलेलं आहे आणि मी आता याच्यामध्ये ते ओततो। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी महादेव झोळ आणि तुम्ही पाहताय कृषी सल्ला यूट्यूब चॅनल। आणि मंडळी, आपल्याला माहीतच आहे सध्या मी हरियाणामधून, हरियाणातील जिंद या जिल्ह्यामधून मुरा म्हशींच्या माहिती संदर्भातले अनेक नवनवीन व्हिडिओज आपल्यासाठी घेऊन येत आहे। आणि आज मी आलेलो आहे सुरेश नैन यांच्या डेअरी फार्मवरती। माझ्याबरोबर आहेत रमण नैन, जे त्यांचे चिरंजीव आहेत। आज त्यांच्याबरोबर आपण गप्पा मारूयात आणि इथल्या म्हशीं संदर्भात आपल्याला हवी ती माहिती त्यांच्याकडून काढून घेऊयात, जेणेकरून आपल्याला भविष्यामध्ये जर दूध व्यवसाय करायचा असेल तर नक्कीच आपल्याला हा व्हिडिओ माहितीपूर्ण असेल। रमणजी, आपका स्वागत है हमारे कृषी सल्ला यूट्यूब चॅनल में। अपना परिचय करा दीजिए। नमस्कार सर जी, मैं जिंद हरियाणा से, सुरेश नैन डेयरी फार्म से, रमन। अच्छा रमन जी, आप मुझे बताइए कि हरियाणा में इतने व्यापारी हैं, बहुत से व्यापारी भैंस बेचते हैं, वो महाराष्ट्र में भी बेचते हैं, महाराष्ट्र के बाहर भी बेचते हैं, और यहाँ पे बहुत से भैंस का एक मार्केट ही है, तो आपसे भैंस क्यों लेनी चाहिए? सर जी, इसमें क्या है, देखो व्यापारी बहुत है इधर, भैंस दिलवाने वाला भी है, बेचने वाला भी है। क्या है, अपना काम कम से कम 50 साल से चल रहा है। मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, उसके बाद फादर जी भी यही काम करते थे, उसके बाद मैं भी इधर ही। वो हमारे क्या है, थोड़ा लंबा एक्सपीरियंस चल रहा है थोड़ा, और दादाजी से काम सीखा, फिर फादर ने काम सिखाया, अब मेरे को भी अच्छे से काम की नॉलेज हो गया है। अच्छा, मतलब थोड़ा दिलाने का तरीका भी अलग है, और क्या है, अपने पास पीछे का भी बहुत लंबा काम है। जिस तरह अपना हैदराबाद भैंस जाता था, अपने पीछे भी हर साल 10,000-9,000 का मतलब भैंस जाता है अपना पूरा। अच्छा, आंध्रा में? आंध्रा में जाता है सर। अच्छा अच्छा, और आप बताइए कि भैंस आप किस क्वालिटी की, कैसे सिलेक्ट करके आप किसानों को देते हैं? सर देखो, सिलेक्ट करने की बात तो होती है किसानों की, सिलेक्ट भैंस वही करते हैं जो अपने पास महाराष्ट्र से या साउथ से, हैदराबाद से, कहीं से भी कोई कस्टमर आता है। अच्छा, वो सिलेक्टिंग उनकी होती है। अच्छा, हमारा काम रहता है सर उनको और अच्छा सिलेक्ट, अगर वो कोई भैंस अच्छा सिलेक्ट नहीं करते, हम उनको बता सकते हैं कि ये भैंस अच्छा नहीं है, आप दूसरा भैंस सिलेक्ट करो। उनको आप दिखाते हैं? दिखाते हैं हम पूरा, मतलब विलेजेस में घूम के पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से कम डेली 200 से 300-400 किलोमीटर हम डेली वेज रूटीन में घूमते हैं। तो ये पैसों का जो व्यवहार होता है वो आप किस प्रकार मैनेज करते हैं? देखो सर, ऑनलाइन पेमेंट चल रहे हैं, कैश लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान आदमी इतने दूर से आता है, बाई ट्रेन आता है, फ्लाइट आता है, गिरने का भी डर रहता है। हाँ, इससे अच्छा है क्या है, अपना डायरेक्ट घर पे फोन करो, RTGS करवा दो अकाउंट में डायरेक्ट। मंडळी, यांच्याकडून म्हैस का घ्यायची? तर पैसे आपण यांना दिलेचं प्रूफ आपल्याकडे राहत आहे आणि ते प्रूफ म्हणजे आपल्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गॅरंटी आहे, श्युअरिटी आहे, कारण आपण इतक्या लांब येणार म्हशी खरेदी करण्यासाठी, आणि जग फसवा फसवीचं आहेच, परंतु इथे तो विषय कुठलाच अडवा येणार नाही तुम्हाला। आपण इथे जे व्यवहार करणार तो एकदम ट्रान्सपरंट असेल, आपल्या अकाउंटला पण असेल। और मुरा म्हैस क्यों पालनी चाहिए, मुरा म्हैस की क्या खासियत है? मुरा भैंस की सर अच्छी खासियत तो ये कि इसकी जो मिल्किंग पीरियड रहता है इसका बहुत लंबा रहता है। हाँ हाँ, जब तक ये बच्चा नहीं देगी ना, नेक्स्ट डिलीवरी नहीं देगी, तब तक आपको ये दूध दे सकती है। मंडळी, इथं असा प्रश्न आहे की आपण ज्या म्हशी आपल्याकडल्या जाफराबादी किंवा आपण पंढरपुरी म्हैस किंवा आपल्या तिकडल्या ज्या काही नॉर्मल गावरान म्हशी पाळतो, त्या थोड्या दिवसासाठी गाभण राहिलं जास्त दूध देत नाहीत, वरून आपल्याला भाला घालावा लागतो दुधासाठी, इकडे भाला घालायची पण गरज पडत नाही आणि मिल्किंग पिरियड आहे तो जास्त आहे। और कम से कम कितनी दूध देने वाली भैंस रहती आपे, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? सर कम से कम 8 लीटर का। 8 लीटर एकदम कम से कम बोले तो 8 लीटर, और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा 30 लीटर का मिल जाएगा सर, 30 लीटर का भी मिल जाएगा। एवढं जर दूध देणाऱ्या भैंसी असतील तर नक्कीच व्यवसाय परवडू शकतो हा। लेकिन इसकी किंमतें भी क्या होती है? कीमत सर इनका जिस तरह 8 लीटर का हो गया 80,000 से डाउनिंग रहता थोड़ा, और 10 लीटर का रह गया वो 90 से 1 लाख का, तो 12 लीटर का हो गया सर वो 1 लाख से
10,000 के अंदर का आ गया, अंदर का आ जाता है। अच्छा, और जो जो 12 से प्लस का आ गया सर, वो 1,10,000 से, ये नहीं कि प्रॉपर 1,10,000 हाँ, वो तो 19-20 हो सकता है, मिल सकता है 1,00,000 का ही मिल सकता है, 12 लीटर का, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वैसे तो टेंटेटिव हो गई प्राइसेस बात हो, किसान को किसी चीज चीज की जरूरत है, जो गांव में हम जाएंगे तो किसान के पास उसको पैसे की जरूरत हो तो सस्ते में सेल कर देता है, सस्ते में भी सेल कर, एकदम बराबर 1,00,000 से आपको 1,50,000 तक आपको 14 से 15 16 17 18 20 लीटर का दूध आराम से मिल जाते हैं। मंडळींना आपण आता अजून महत्त्वाचा प्रश्न असा विचारू, हे सगळं गाय मशीनच्या बद्दल माहिती आपल्याला मिळालीस, लेकिन रमन जी एक भी बात बताइए मुझे कि हम इतने दूर से यहाँ पे आते हैं, भैंस चल के तो नहीं ले जा सकते, नहीं, नहीं, अब ये जो लोडिंग वगैरह टेम्पो में भर के ट्रांसपोर्टेशन में जाएगी भैंस, ये क्या फैसिलिटी, कैसी सुविधाएं होती है? इसमें क्या रहता है, हम किसान जो आज अपने पास कस्टमर आए, किसान आदमी लेने हैं, हम उसकी हेल्प करते हैं जरूर। अच्छा, सारा ट्रांसपोर्ट हम अरेंजमेंट करके हम देंगे, इसमें क्या है, वो पेमेंट सब किसान आदमी का रहता है। अच्छा, हाँ, जो 10-10 भैंस जाने वाले, तो उसका पूरा अरेंजमेंट हम करते हैं। नॉर्मली महाराष्ट्र तक का ट्रांसपोर्टेशन क्या रहता है एक टेम्पो 10 भैंस का? 10 भैंस का सर, जिस तरह पुणे का 75 है। अच्छा, 75,000 में आता है, साधारणपणे 7,000 रुपये आपल्या एका म्हशीमागे आपल्याला खर्च, 7-7,500 रुपये एका म्हशीमागे इथून घेऊन जाण्यासाठीचा येतोय। और आप क्या क्या अरेंजमेंट कराते उस फिर उसमें? उसमें सर, अगर भैंस को 4 दिन लगते हैं गाड़ी को उधर पहुंचने में, या 5 दिन लगते हैं, उनका 5 दिन का दाना रहता है गाड़ी में, तो ये इधर अरेंजमेंट करके देते हैं। अच्छा, और ये जो उसको ऊपर चढ़ाना उतारना ये सब कुछ? वो लेबर जाते हैं सर उनके साथ, वो उनका पैसा कुछ देने की जरूरत नहीं है? नहीं, उनका पैसा सर किसान आदमी का रहता है थोड़ा। कितना पैसा? उनकी डेली के 300 रुपये रहते हैं। अगदी 300 रुपये किरकोळ आहेत, पण व्यवस्थित काळजी करून ते घेऊन येत आहेत, तर हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। मंडळी, मशीनबद्दल तर आपल्याला खूप चांगली माहिती मिळतेच आहे, परंतु आपल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जर म्हैस घ्यायची असेल तर त्यांच्याकडे काय ऑप्शन आहेत? रमन जी मुझे बताइए, अगर महाराष्ट्र के हमारे किसानों को भैंस आपके यहाँ से लेनी है तो कम से कम कितने लीटर से कितने ज़्यादा लीटर तक और क्या रेट में भैंस आपके पास अच्छी सी उपलब्ध है? क्या है, जो किसान आदमी होते हैं जो खेती कर रहे हैं साथ में, उनके लिए सबसे बेस्ट भैंस रहता है सर 14 लीटर का, 14-15 लीटर का भैंस इधर से लेंगे। आपके उधर क्या है, खाने पीने का हमारे हरियाणा से अच्छा, आपके उधर हाँ, तो बहुत अच्छे, जो हम हरा घास ज्यादा खिलाते हैं, आपका जो नेचर वाइज है टेम्परेचर रहता है वो भी ज्यादा अप डाउन नहीं रहता, क्या है 20 से 35 लास्ट टेम्परेचर रहता है, ठंडा रहता है, बहुत अच्छा भैंस सेट रहता है। हमारे इधर क्या है, गर्मियों में 48 टेम्परेचर था इस बार। अच्छा, और सर्दियों -2 था। अब मुझे बताइए फिर, ये 14 लीटर की भैंस महाराष्ट्र के लिए अगर अच्छी है तो इसकी कीमत क्या होगी? कीमत सर देखो, इसकी कीमत 1,10,000 से पकड़ के चलो आप, 1,10,000 से, अगर 1,10,000 से पकड़ के चलो 1,35,000 तक का टॉप क्वालिटी का बिल्कुल छोटा रिंग अच्छा ऑर्डर वाला भैंस आपको मिल जाएगा। सर अभी युवा, जो भी युवा किसान है, जो युवा फार्मर है, अगर वो ऐसे ही शेड्यूल के हिसाब से भैंसों का काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है वो। अच्छा, और मुझे और एक थोड़ी सी दिक्कत है, आप थोड़े मतलब कम शब्दों में कहिए कि अगर रूटीन भैंसों के खाने का है तो वो क्या फॉलो करना चाहिए महाराष्ट्र के किसानों ने? महाराष्ट्र के सर देखो, जो मिल्किंग वाला भैंस रहता है उसके लिए तो आपको सरकी पेंडा, सरकी हो गया, चने का छिलका हो गया, और जो गेहूं का भूसा रहता है, वो गेहूं का दाना रहता है। अच्छा, हाँ, उसका एक दलिया होता है। अच्छा, आपके उधर मिलता है शायद वो? हाँ, मिलता है, सबसे बेस्ट वही रहता है सर। अच्छा, हमारे उधर ये तीन आइटम है, ये सबसे बेस्ट रहता है। फिर मक्के का भरड़ा भी रहता है हमारे उधर, मक्के का? देखो, हमारे हरियाणा में इतना आइटम नहीं है। अच्छा, जो हमारे पास अगर भैंस को खिलाने के लिए, आदमी को खिलाने के लिए 5 आइटम है तो महाराष्ट्र में 50 आइटम है। अच्छा, मतलब वहाँ पे तो और ज्यादा फायदा है सर। अगदी छान मंडळी, आता आपण जाऊया त्यांच्या गोट्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या म्हशी बघूयात, त्याचबरोबर त्यांना मी चालून दाखवायला सांगतो यांना, आणि त्या म्हशींच्या किमतीसुद्धा आपण साधारणपणे यांना रमणभाईंना विचारूत। मंडळी, म्हशी तर चांगल्या वरवरच्या दिसत आहेत, परंतु काय म्हशीमध्ये पायात लंगडी आहे का, किंवा अडचण काय, आजार बिजार कुठला आहे का, हे आपण बघण्यासाठी ह्या सगळ्या म्हशी आहेत ना जेवढ्या, त्या आपण चालून बघूयात। रमन जी, क्या इसमें से आप मुझे कोई भैंस 2-4 भैंस चल के दिखाएंगे? नहीं सर, 2-4 क्यों, सभी की सभी भैंस खोल के दिखाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सभी की सभी में तो वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन एक 4-5 हाँ, मैं बोलता हूँ वो बताइए। ठीक है, इसको चल के दिखाइए, चलो इसको खोले भैया। मंडळी, कसं आहे की म्हशी आपण घ्यायच्या तर पारखूनच घेतल्या पाहिजेत ना। ये थर्ड टाइमर है सर, इसमें 16 लीटर अभी रेडी है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी भी दिख रही है ये भैंस। ये सर 18 लीटर का भैंस है, 18 लीटर। अभी लाइव मिल्किंग करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कितना दूध। अच्छा, ये कितना लीटर दूध देगी सर? अभी इसमें 14 लीटर दूध रेडी है।
14 लीटर दूध रेडी है, साइज बहुत अच्छा है, छोटा साइज है। 1,05,000 रुपए का भैंस है सर ये। 1,05,000 का। अच्छा, कितने टाइम की भैंस है ये? सर ये सेकंड का ही है ये। साइज थोड़ा छोटा है इसका, लेकिन दूध में बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, साइज थोड़ा है, छोटा है। इसमें सर 18 लीटर दूध रेडी है फिलहाल। अच्छा, हाँ जी, 18 लीटर दूध रेडी। लेके जा आगे। और इसकी ये कब की है? ये सर थर्ड टाइम रही है। थर्ड टाइम, तीसरे बार बच्चा दिए सर। अच्छा, 18 लीटर। और इसकी प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस? इसका प्राइस सर 1,21,000 रुपए प्राइस है इसका। अभी दूध तैयार है सर इसमें। अच्छा। ये क्या हो गया, 16 से 17 दिन का बच्चा दिया हुआ है, इसलिए दूध तैयार है सर इसमें। अच्छा, दूध तैयार है इसमें। मंडळी, ही म्हैस सुद्धा खूप चांगली दिसते बर का। उंची बघा माझ्या चेस्ट इतके, हे माझ्या खांद्याला लागते एवढी लेवलची म्हैस आहे। रमन जी, इसकी क्या कीमत है? जी ये आइए 1,32,000 रुपए का। सेकंड का पार्ट है सर, इसमें भी 14 लीटर प्लस दूध अभी भी। अच्छा, सेकंड का है ये? हाँ, सेकंड का सर। जब ये 3 साल की 4 साल की होगी तब और ज्यादा दूध, और ज्यादा होगा सर। थर्ड और ये और इसको तो भाग्यशाली टीका लग बोलते हैं। भाग्यशाली होता है सर, भाग्य का टीका इस सफेद उसके ऊपर। इसमें सर जी 15 लीटर दूध रेडी अभी। 15 लीटर और इसकी 16 हो सकता है, लेकिन मैं 15 बता रहा हूँ अभी। अच्छा मंडळी, तुम्ही बघू शकता या म्हशीची कास पण खूप चांगली आहे। रमन भाई, अभी सभी सवालों के जवाब मुझे बहुत से मिले हैं, साथ में ये आपके गोठे में मुझे इतनी सारी भैंसें दिख रही हैं, तो मुझे बताइए कि अगर कोई किसान महाराष्ट्र का या कहीं और का भी भैंस लेना चाहेगा तो आप ये स्टॉक में से भैंस उनको दे देते हो या फिर घुमा के? स्टॉक में से भैंस नहीं देते सर कोई भी, ना अपने पास स्टॉक रहता है। ये क्या है कि पूरा का पूरा भैंस गाँव से आया। अच्छा, किसान आदमी के घर से आया। अभी ये लोड पूरा लातूर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उधर का जो किसान आदमी है उसके पास पहले ही भैंस है। अच्छा, तो उसको आने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो अच्छा, उन्होंने ऑनलाइन मोबाइल या वीडियो कॉल पे ही व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके पूरा भैंस का दूध चेक करवाया 2 टाइम। अच्छा, और अपने गोटे पे आया। मंडळी, अतिशय विश्वासावरती पण सगळ्या गोष्टी चालतात। क्या वो पहले से आपके कस्टमर थे? पहले से कस्टमर थे सर। एकदा जर यांच्याकडून म्हशी घेतल्या तर तुम्ही पुन्हा पुन्हा त्यांच्याकडून म्हशी घेऊ शकता, असे गॅरंटीड या ठिकाणी रमन जी आपल्याला म्हशी देत आहेत। और कोई भी बिझनेस रमन जी ऐसा होता है कि एक बार किसी ने हमसे कुछ लिया तो बार बार वो आना चाहिए। रिटर्निंग कस्टमर रहेंगे ना? रिटर्निंग कस्टमर रहेगा। हाँ, रिटर्निंग कस्टमर रहता है जिसके पास अच्छा भैंस जाता है। अच्छा भैंस जाता है, रहता है। एक कस्टमर अगर अपने पास आता है उसका भैंस अच्छा निकलता है तो भी 100% तो अच्छा ही भैंस निकलता है सर। अभी तक दूध में किसी भैंस में कोई कमी नहीं आई है, तो वो रिटर्न आए ही आएगा, आएगा। वो हर जगह घूम के इधर आएगा वो। अच्छा भाई, मुझे इस भैंस की कीमत क्या रहेगी एक आप बताइए, और कब की भैंस है ये? ये सर सेकंड टाइम की पाड़ी है ये। अच्छा, इसकी कीमत है 1,28,000 रुपए सर। 1,28,000 सेकंड टाइम की। और दूध कितना देगी ये? दूध इसका सर अभी 14 लीटर रेडी है इसमें। अच्छा, 14 लीटर रेडी है। हाँ। ये क्या है, इसकी 16 लीटर की कैपेसिटी है बस, उससे ज्यादा का नहीं है सर। अच्छा अच्छा, लास्ट 16 बस, उससे ऊपर नहीं जा सकती बस। अच्छा, ये क्या अभी सेकंड का है ना, थर्ड टाइमिंग में चली जाएगी सर। थर्ड टाइमिंग में ज्यादा दूध बढ़ेगी सर ये। अच्छा, अतिशय चांगल्या म्हशी पण आहेत। स्टॉक व्यतिरिक्त इथं तुम्हाला बाहेरून फिरून सुद्धा त्या म्हशी देऊ शकतात। असा हा म्हशी व्यवसाय आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने करू शकतो। तीन थनों का दूध है सर जी। 3 थन 7 लीटर। हाँ, अभी 7 लीटर है, एक थन बच्चे को पिलाया पूरा। अच्छा, एक बच्चे को छोड़ते हैं। हाँ जी, एकाच म्हशीचं एवढं गच्च बादली भरून दूध आणलेलं आहे आणि मी आता याच्यामध्ये ते ओततो। वा, घट्ट दूध आहे। जर दूध व्यवसाय करायचा असेल तर तुम्हाला अशा हरियाणातील मुरा जातीच्या म्हशी घ्याव्या लागतील, आणि ह्या चांगल्या क्वालिटीच्या म्हशी घेण्यासाठी तुम्हाला यावं लागेल
सुरेशजी नैन डेअरी फार्मवरती आणि माझ्याबरोबर त्यांचे चिरंजीव पण आहेत, त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर या व्हिडिओच्या या ठिकाणी दिसतोय, त्यांना कॉन्टॅक्ट करा, रमणजींना कॉन्टॅक्ट करा आणि आपल्याला हव्या तशा मशीन मिळवून घ्या. आजच्या या व्हिडिओमध्ये एवढंच, पुढील व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आणखीन अशाच माहिती दिल्या जातील. तोपर्यंत पाहत राहा कृषी सल्ला यूट्यूब चॅनल. जय महाराष्ट्र.